दोस्तों नमस्कार। हाँ भाई, स्वागत है आपका एक नए फॉर्मेट में। जैसा कि लॉकडाउन के दौरान संस्था ने CLC कोचिंग ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 18,000 क्वेश्चन अवेलेबल करवाए थे, उसी मुहिम को आगे प्रोसीड करते हुए एक नया ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं आपके लिए 2021 के स्टूडेंट के लिए, जो नो डाउट अपने आप में जो है किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। नाम है गुरु नीति, ठीक है। 26 अक्टूबर 9 PM इसकी अपलोडिंग होगी और डेली इसी सीक्वेंस में इसी टाइम पर जो है आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सीक्वेंस कुछ इस प्रकार रहेगा, जूलॉजी के साथ फिजिक्स आएगा, उधर बॉटनी के साथ में केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस या मुहिम जो 26 अक्टूबर को चालू हो रही है, ये अपनी एंड होगी 5 मार्च को जाकर। और आप एक चीज जरूर याद रखना है, आज ये मेरा आपसे कमिटमेंट रहेगा, अगर बाबा ने चाहा तो ये जो गुरु नीति के पेपर होंगे, ये जो 180 वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे नीट एग्जाम में, इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माइसेल्फ सुनील सोरान, जूलॉजी फैकल्टी CLC कोचिंग सीकर, और मेरे साथ हैं यतिंद्र जी सर, जूलॉजी फैकल्टी CLC सीकर, ठीक है। हम दोनों मिलकर जो है वो इस मुहिम को, जूलॉजी के जितने भी वीडियो जाएंगे, टोटलिटी की बात करूं 42 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और ये जो है मेरे और यतिंद्र सर के द्वारा कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बात कर लेता हूं, गुरु नीति 180 वर्सेस 180 ए सीरीज ऑफ 180 वीडियो सॉल्यूशन है, और किन के लिए है? नीट की तैयारी करने वाले हिंदुस्तान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आपकी CLC कोचिंग जो है वो पेमेंट के पीछे नहीं, यहाँ स्टूडेंट की सफलता सर्वोपरि है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हिंदुस्तान के प्रत्येक बच्चे के लिए है। और आप मान के चलें, हमने टॉपिक्स में जो डिवाइड किया है, 42 टॉपिक्स जो बनाए हैं चैप्टर्स के, उसके अकॉर्डिंग आप मान के चलें सारा कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर। तो मैं सबसे पहले शेड्यूल की बात कर लेता हूँ बायोलॉजी के, ये जूलॉजी और बॉटनी के कंबाइंड शेड्यूल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज पहला वीडियो 26 अक्टूबर को जो है एनिमल किंगडम फर्स्ट का आ रहा है, हमने एनिमल किंगडम फर्स्ट को जो है वो सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, सेकंड में, थर्ड में, अल्टरनेट डेज जो है ये जूलॉजी के वीडियो आपको प्रोवाइड होंगे, और इसी प्रकार अल्टरनेट डेज में जो है बॉटनी के वीडियोज भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्लियर। टाइम जरूर याद रखें, शार्प एट 9 PM शाम को 9 बजे जो है ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। जी यतेंद्र जी, चालू करें? जी बिल्कुल जी। हाँ तो स्टूडेंट आइए मूव करते हैं अपना एनिमल किंगडम फर्स्ट। 60 क्वेश्चन रहेंगे अपने आज के वीडियो के। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वेयर विल यू लुक फॉर स्पोरोजोइट ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। एक्चुअल में एनिमल डाइवर्सिटी में इसको प्रोटोजोआ के बेसिस पर इस क्वेश्चन को डाल दिया गया है, और इसी का ही डिटेल फॉर्म जो है वो आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के दौरान जो है वो पढ़ाया जाएगा, क्यों यतेंद्र जी? जी जी जी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप मलेरिया परजीवी के स्पोरोजोइट को कहां ढूंढेंगे। तो नो डाउट स्पोरोजोइट की अगर मैं बात कर लूं यतेंद्र जी, तो वो अपना स्पोरोजोइट जो फॉर्म है ये अपनी हो जाएगी ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज हो जाती है, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज, बिल्कुल सही। जी जी जी। और फीमेल एनाफिलीज जब ये बाइट करेगा, तो उसके बाद ये जो पैरासाइट है ये लीवर सेल्स में पहुंचेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां दर्शाएगा, और उसके बाद उसकी ब्रस्टिंग होती है, ब्लड में वो रिलीज हो जाता है, और ब्लड में रिलीज होने के बाद में RBC को वो इन्फेक्ट करता है, जहां RBC में अब क्या चालू होती है, सेक्सुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सेक्सुअल साइकिल जो चालू होगी आरबीसी की ब्रस्टिंग के कारण, गैमेटोसाइट अगेन रिलीज होंगे, और जब ये फीमेल मॉस्किटो जो है एनोफिलीज दोबारा जब बाइट करेगा, तो इन जो गैमेटोसाइट स्टेज है इनको अपटेक कर लेता है, और अपटेक कर अपनी गट में पहुंचा देता है। अब फीमेल मॉस्किटो की गट में ये जो गैमेटोसाइट है इनका वापस क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहां पर कंप्लीट होता है, और फिर गट रीजन से होता हुआ ये जो पैरासाइट है ये कहां पहुंच जाता है, फीमेल एनोफिलीज की सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाता है। तो अपने से सवाल भी बच्चों क्या पूछा है कि कहां पर स्पोरोजोइट पाया जाएगा, तो नो डाउट ऐसा ऑप्शन आप देखें कि स्लाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज, यहां पर इसकी प्रेजेंस जो है वो देखी जाती है। लेकिन अब डाउट यहां पर एक और आएगा कि स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ फ्रेशली माउल्टेड फीमेल एनोफिलीज जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये अभी जो है इसकी मोल्टिंग हुई है ना, तो अभी इसको एडल्ट फॉर्म में जाना है, उसके बाद में जब ये किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन का ब्लड सक करेगी, तब वो पैरासाइट जो इसके अंदर जाकर के लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, गट के बाहर आकर के स्पोरोगोनी होगी, और फिर स्पोरोगोनी में लास्ट के अंदर जब वो काफी सारे स्पोरोजोइट रिलीज होंगे,
तो वो उसकी सैलिवरी ग्लैंड में एंट्री करेंगे, बिल्कुल वो इन्फेक्टेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा अपना, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म एंगल्फ फूड मटेरियल। ऑर्गेनिज्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर ये क्वेश्चन अपने को दिया गया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखें सेप्रोजोइक, तो सेप्रोजोइक के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होती हैं उनसे न्यूट्रिशन ऑब्टेंड किया जाता है। एक्चुअल में जो एनिमल है जो न्यूट्रिशन ऑब्टेंड करेगा वो एक एंजाइम हाइड्रोलेज जो है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रिलीज आउट करेगा। उसके बाद ये जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है इसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जाता है, और ये सॉल्यूशन फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ है ये फिर इस एनिमल की बॉडी सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो मैंने बात कही है इसको डेफिनेशन में भी आप याद रखें कि जो भी एनिमल होगा वो हाइड्रोलेज एंजाइम का सिक्रीशन करवाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म में फूड को बदलेगा, और सॉल्यूशन फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट कन्वर्ट हुआ है उसको फिर ये बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे सिंपल लाइन हो गए, सिंपल ऑर्गेनिक, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। लेकिन यहां पर पूछा है कि एंगल्फ करेगा फूड को, तो ये ऑप्शन तो अपना नहीं जाएगा। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होना नहीं, हाँ, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक में क्या होगा, खुद का भोजन खुद ही बनाता है, सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ फूड कहलाता है, ठीक है। होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जैक्टली वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है फूड मटेरियल को डायरेक्ट एंगल्फ कर लेता है, फर्स्ट ऑफ ऑफ इंजेशन देयर आफ्टर डाइजेशन, जी 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 बिल्कुल, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर एक्सक्रीशनाइजेशन, ठीक है। तो ये होलोजोइक बच्चों इसका आंसर चला जाएगा। एक अपना सेप्रोफिटिक और दे रखा है, सेप्रोजोइक की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, सेप्रोफिटिक की अगर मैं बात करूं तो इसका एक तो एग्जांपल आप याद रखना कहां पाया जाता है, जो सोइल के बैक्टीरियाज होते हैं, जो फंजाई होती है उनके द्वारा ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दर्शाया जाता है। होगा किसे न्यूट्रिशन ऑब्टेंड किसे करेंगे, डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से ही ऑब्टेंड करते हैं, उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करवाकर ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल इसका याद रखना है आपको फंजाई और किस में पाया जाता है, सोइल बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें पाया जाता है। क्यों यतेंद्र जी, डीकंपोजिशन को बोलते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा यतेंद्र जी आपने, इनको डीकंपोजर्स कहा जाता है। ओके थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, हाँ चलिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ स्पंजीज, स्पंजीज के रेस्पेक्ट में, पोरीफेरा के रेस्पेक्ट में, पोरीफेरा के लिए पूछा गया है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेंगे आप इसके बारे में, सही है सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं स्टूडेंट की तरफ से ही पुट करना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये अपने को कहां ऑब्जर्व हुआ था, ये सेकंड फाइलम सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट्स में, एग्जैक्टली स्टूडेंट यही हो हमें आप तक यही चीज पहुंचानी है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पंजीज में पाया जाता है और फर्स्ट फाइला जिसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनेगा वो जैसे आपका सिलेंट्रेट, यतेंद्र जी ने बताया सिलेंट्रेट्स कहलाएगा, ठीक है बिल्कुल ठीक बात है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, पोरीफेरा का करेक्टर है, ठीक है। और अगर मैं सिलेंट्रेटा की बात करूं तो सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर और उसके बाद में इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड ऑफ सेल मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और उसके बाद जो है वो सेल जो है उसके अंदर डाइजेशन होगा जिसको इंट्रा सेलुलर अपन कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इस चीज को भी आप याद रखना, सिलेंट्रेटा में पहले कैसा है एक्स्ट्रा सेलुलर, उसके बाद अपटेक होने के बाद में सेल के अंदर डाइजेशन वहां पर देखा जाएगा, तो पोरीफेरा का करेक्टर ये भी हो जाएगा जी। कैनाल सिस्टम बिल्कुल पोरीफेरा में पाई जाती हैं, एस्कोन साइकोन ल्यूकोन रेगोन, ये डिफरेंट टाइप की कैनाल सिस्टम जो है ये पोरीफेरा में स्टूडेंट्स देखी जाती है। अपने से पूछा क्या है, नोट पूछा है, और यहां पर थोड़ा सा गौर करना है स्टूडेंट से, जब भी क्वेश्चन नेगेटिव अप्रोच का आ जाए तो आपको हाईलाइट करना है इस नोट को, क्योंकि एक मानव की प्रवृत्ति है, वो मानव की प्रवृत्ति है, मानव हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता है, इसलिए आपको ये जरूर हाईलाइट करना है कि यहाँ पर नोट दिया है, नोट दिया है, इसका मतलब बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिनियस स्पिक्यूल्स नहीं, पोरीफेरा में काइटिनियस स्पिक्यूल्स नहीं है, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जी जी, कैल्केरियस और सिलिशियस, सिलिशियस बिल्कुल। और सिलेंट्रेटा में अगर मैं बात करूं तो CaCO3 का जो है वो स्केलेटन प्रेजेंट होता है। वहीं अगर मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा की मैं बात कर लूं, यहाँ पर थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे देते हैं, तो मोलस्का में जो है यतेंद्र जी वो एक्जो स्केलेटन पाया जाता है और CaCO3 का एक्जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जबकि इकाइनोडर्मेटा में CaCO3 का एंडो स्केलेटन पाया जाता है, ओसिकल्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नाइस वेरी गुड। इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि अपने जैसा ही फीचर होमोलोगस कह सकते हैं, एग्जैक्टली अपने ठीक अपने समान जो है करेक्टर वो यहाँ पर भी प्रेजेंट हो जाएगा।
तो बच्चों आपने को नोट पूछा है, नोट का मतलब आंसर। जितेंद्र जी कौन सा चला गया? नोट पूछा है तो आपका 4 चला गया, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। इसमें भी काइटिन की वजह से गलत हो गया, काइटिन की वजह से ये गलत हो गया। इसकी जगह अगर सिलिशियस या कैलकेरियस होता तो सही हो जाता। बिल्कुल, जैसे यतेंद्र जी कह रहे हैं सिलिशियस एंड कैलकेरियस जी, अगर ये दिया हुआ होता तो अपन जरूर अप्रोच कर जाते इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 2020 में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के मैच द फॉलोइंग आए हैं, और नो डाउट यतेंद्र जी आप क्या कहोगे 19 और 20 के पेपर को देखते हुए, क्या लेवल रहा है क्या नीट का? बिल्कुल, इस बार तो काफी इजी पेपर हो गया। बिल्कुल जी, तो अपन नो डाउट जिस लेवल की स्टडी स्टूडेंट करता है और उसके बाद इतने गिरे हुए लेवल का, एक्चुअल में मैं इसको गिरा हुआ लेवल ही कहूंगा क्योंकि लो क्वालिटी के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर काफी पूछे गए थे। एक दो क्वेश्चन अच्छे लेवल के दे सकते थे। जी 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 बिल्कुल, केमिस्ट्री फिजिक्स बोर्ड ने जूलॉजी के, एग्जैक्टली, क्योंकि स्टूडेंट आप जानते हैं जहाँ 720 स्कोर किया जाता है तो फिर क्या लेवल रहा होगा। जी बिल्कुल, और 720 बड़ा मुद्दा नहीं है, 720 आ सकते हैं, जैसे जेई मेन में भी 360 नंबर पहले आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि 612 नंबर कट ऑफ जाना, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बढ़ते हैं, चलो आगे, मैच दी फॉलोइंग करना है अपने को। कोएनोसाइट्स क्या कोलर सेल्स कहलाती हैं, और पोरीफेरा का करेक्ट है? जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। नीडोप्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट का करेक्टर हो जाएगा, नाइडेरियंस कह सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, अनोदर नेम जरूर याद रखना, सिलेंट्रेटा को और क्या कहा जाता है, नाइडेरियंस भी कहा जाता है। फ्लेम सेल प्लेटी एलमिन्स, इनको सोलेनोसाइट भी कहा जाता है यतेंद्र जी, इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है। जी बिल्कुल सही है, तो फ्लेम सेल के लिए अपना कौन सा चला जाएगा, आपका फ्लैटवर्म यानी प्लेटी एलमिन्स, प्लेटी एलमिन्स चला जाएगा। और कॉम प्लेट की अगर बात करें तो टीनोफोरा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यतेंद्र जी से एक चीज पूछना चाहूंगा, यतेंद्र जी इनके फंक्शन के विषय में थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं कोएनोसाइट्स? अगर अपन फंक्शन की बात करें तो जैसे कोएनोसाइट कोलर सेल्स है तो ये पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इसको अपन कह सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी वजह से जो है एक इसके अंदर जैसे इसको फ्लेजिलेटेड सेल बोलते हैं, फ्लेजिलेटेड सेल वाटर करंट बनाता है। हाँ एग्जैक्टली, ये एक वाटर करंट जो है वो डेवलप करेगा, उस वाटर करंट की वजह से इस पोरीफेरा की बॉडी में जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद वाटर पहुंचेंगे, और उसके बाद में यही सेल जो है कोएनोसाइट, ये इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करेंगे। जी, एक्चुअल में तभी इनको फिल्टर फीडर बोलते हैं। एग्जैक्टली, फिल्टर फीडर एनिमल्स। कॉलर बनी होती है जो माइक्रोविलाई लाइक, तो जो पैरागेस्टिक कैविटी में जो फूड पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक उनको ये एब्जॉर्ब करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीडोप्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स कहलाती है, प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव मैकेनिज्म में? प्रोटेक्टिव भी है, मतलब प्रोटेक्टिव ऑफेंस डिफेंस में, ऑफेंस डिफेंस बिल्कुल, अटैकिंग अटैकिंग के लिए। जी जी, अटैक कर सकती है, और जब भी ये वाटर के थ्रू मूव करता है तो किसी जगह अगर इसको रुकना हो बिल्कुल, तो किसी सरफेस अटैचमेंट में, अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। बिल्कुल, यही चीज आपके सामने हाईलाइट करना चाह रहे थे क्योंकि स्टिंगिंग सेल का सबको पता है कि ऑफेंस डिफेंस अटैक इन सब में काम आता है, लेकिन अटैचमेंट में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कहलाती है, एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन, और ऑस्मो रेगुलेशन एग्जैक्टली। इनका अनोदर नेम जरूर याद रखना, फ्लेम सेल को बच्चों और क्या कहा जाता है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, प्रोटोनेफ्रिडिया सोलेनोसाइट, प्रोटोनेफ्रिडिया ठीक है, और कॉम्प्लेट लोकोमोटरी लोकोमोशन में है, एट रेडियल कॉम्प्लेट्स, एट रेडियल कॉम्प्लेट, एनसीईआरटी की लाइनें आपके दिमाग में नो डाउट नाचनी चाहिए क्योंकि आप मान के चलें नोट्स तो अपन ने एक बार पढ़ लिए, एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन बार बार किसका करना है, एनसीईआरटी का ही करना है। तो मैच दी फॉलोइंग जब भी करते हो तो आपको इसी मैनर में करना चाहिए, 3 4 1 2 3 4 1 2, 3 के बाद में 1 आ रहा है, नहीं है, 3 के बाद में 4 1 2, ऑप्शन नंबर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट आर करेक्टरिस्टिक ऑफ, बाई रेडियल बोला है तो अपने को पता है रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा, और उसके बाद में बाई रेडियल सिमेट्री टीनोफोरा, एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट, निडेरियंस में तो नीडोब्लास्ट मिलेगी लेकिन सिलेंट्रेटा, सॉरी टीनोफोर, टीनोफोर टीनोफोर में नहीं,
टिंडोफॉर्म में नीडोब्लास्ट नहीं पाई जाएगी। और अपन बायरेडियल को ये भी कह सकते हैं कि ये रेडियल और बायलेटरल के बीच की सिमेट्री कहलाती है। इवोल्यूशनरी लिंक है, इवोल्यूशनरी लिंक है किसके बीच के, सिलेंट्रेट आके और टिंडोफोर आगे, ठीक है, प्लेटियल। हाँ एग्जैक्टली, प्लेटियल मीन्स, ठीक है। तो बायरेडियल सिमेट्री और नीडोब्लास्ट, ये किसका एग्जाम्पल, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, टिंडोफोरा, टिंडोफोर्स, टिंडोफोर्स का कहला गया। अब टिंडोफोर का एग्जाम्पल देख लें, यहां पर मैं बात करूं तो स्टारफिश भी नहीं है, इकाइनोडर्मेटा है, सी एनिमोन, ये आपका सिलेंट्रेट हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टिनोप्लाना बिल्कुल है, बिरोई बिल्कुल है, ये दोनों आपके टिनोफोर के एग्जांपल, स्विमिंग आई ऑफ कैट। जी जी, अच्छा इसमें एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है इसके लिए कि ये एक ऐसा टिनोफोर है जिसके पास टेंटेकल्स नहीं है, टेंटेकल्स नहीं है, इसमें टेंटेकल्स नहीं है, ये नूडा क्लास से बिलोंग करता है। जी जी, बिल्कुल। तो अपना आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर टू। इधर ओरिलिया की और पैरामीशियम, पैरामीशियम तो प्रोटोजोआ से बिलोंग कर गए, और ओरिलिया की अगर बात करें तो सिलेंट्रेटा में आ जाता है। हाइड्रा और स्टारफिश, स्टारफिश तो बिलोंग कर गया बच्चों किसे, इकाइनोडर्मेटा से, और अगर हाइड्रा की बात करें तो ये सिलेंट्रेटा से। तो बच्चों अपना आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। जी यतेंद्र जी, Which of the following is correct regarding cylindrate, है ना? Correct पूछा है cylindrate के लिए। तो जैसे पहला दिए, they possess a central gastrovascular cavity, एक central gastrovascular cavity जो है ये इनके अंदर मौजूद होती है, जहां प्रेजेंट होती है, फूड का सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली exactly. तो ये सही है ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। इसमें पूछा करेक्ट, तो सेकेंड अगर देखिए, पॉलीफॉर्म इज मोटाइल, पॉलिप तो सिसाइल होती है। हाँ, यहाँ एक चीज यतिन जी मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए दो करेक्टर आप याद रख लेना, पॉलीफॉर्म जो है वो कैसी होती है, सेसाइल होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म कहलाती है, सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल। तो इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं यतिन जी। जी हाँ, ये पॉलिप जो है वो सिसाइल है और सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। अच्छा, इसके अलावा पॉलिप के अगर फंक्शन अपन बच्चों को अगर बताएं, जी जी जी, तो ये प्रोटेक्शन के लिए इन्वॉल्व है, ठीक है, और इसके अलावा न्यूट्रिशन में भी इन्वॉल्व, न्यूट्रिशन में भी पार्टिसिपेट करती है। तीसरा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, बडिंग के थ्रू जो है मेडुसोइड फॉर्मेशन में, मेडुसोइड फॉर्म भी बनाती है। तो यहाँ पर बच्चों जो है मोटाइल दिया गया है और यहाँ पर सेसाइल दिया गया है, इनको इंटरचेंज करना है। ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ये जानबूझ के किया गया है कि बच्चे को मैक्सिमम कंफ्यूज पहले कैसे कर सकते हैं, उसके तहत जो है वो मेन एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये इस कारण गलत हो गया, ये आपस में इंटरचेंज होने चाहिए थे। पॉलीप तो कैसी हो जाती सेसाइल, और मेडुसा कैसी हो जाती मोटाइल, मोटाइल। तो आप ऐसे कनेक्ट कर लेना, एम फॉर एम, ठीक है, मोटाइल फॉर मेडुसा, ठीक रहेगा। अगला है, बोथ पॉलीप एंड मेडुसा फॉर्म आर मोटाइल, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, और मेडुसा फॉर्म इज मोटाइल। तो यहां पर अपने कहा था एम फॉर एम, तो मेडुसा फॉर्म इज मोटाइल एंड सिलेंड्रिकल, ये गलत हो गया, ये अम्ब्रेला से, अम्ब्रेला से, अम्ब्रेला से, अम्ब्रेला शेप ये होनी चाहिए थी, ठीक है। तो पॉलिप के फंक्शन बता दिए, मेडुसोइड का जो रोल है इनके लाइफ साइकिल में, जी जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व, बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर सेवन। अगेन मैच द फॉलोइंग फेवरेट ऑफ एनटीए, मैच द फॉलोइंग एनिमल विद देयर कॉमन नेम्स, ठीक है। एडम्सिया की बात करें तो क्या सी एनिमोन के साथ में मैच कर दिया जाएगा इसको, जी यतेंद्र जी, जी सी एनिमोन, सी एनिमोन, सिलेंट्रेट है ना ये, ओके ओके। मैंड्रीना, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल कहाँ है, सेकंड है, सेकंड हो गया। गोरगोनिया, सी फैन हो जाएगा, सी फैन हो जाएगा, सी फैन हो गया। पेनेटोला, सी पेन हो गया, ठीक है बच्चों। तो आंसर 3 2 4 1, 3 2 1 4 है, ये नहीं जाएगा, 3 2 4 1, तो आंसर चला जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। यहां मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहूंगा, एडम्सिया, ठीक है, याद रखना है आपको, नो डाउट, सी एनिमोन एक याद रखना है, मैंड्रीना, ये नाम ऐसा नहीं लग रहा माइंड के जैसा, जी जी जी, और माइंड का मतलब ब्रेन, ब्रेन, तो मैंड्रीना को अपन रिलेट करते हैं ब्रेन कोरल से, तो ज्यादा अच्छी ट्रिक रहेगी, क्यों। ऐसे ही गोरगोनिया, बच्चों पंखा कैसे घूमता है, गोल गोल, गोल गोल घूमता है, इसका मतलब गोरगोनिया, क्या ऐसा रिलेशन बन सकता है, शायद ठीक रहेगा स्टूडेंट के लिए। पेनेटुला, नाम में पेन आ रहा है, हाँ, नाम में पेन आ रहा है, तो सी पेन, कुछ सी पेन ये बन जाएगा, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ग्रेट,
थैंक्स। तो आंसर चला गया अपना ऑप्शन नंबर 4। मूव करें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। ट्रू मेटाजेनेसिस इन निडेरियंस इज, मेटाजेनेसिस एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इसको अपन कहेंगे। इसमें जैसे दोनों ही डिप्लोइड स्टेज है, टू है ना, बस हाँ, एक स्टेज एसेक्सुअल है और दूसरी सेक्सुअल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप एक पिक्चर बच्चों वो दिमाग में बनाना है आपको, ये पॉलिप है, ये मेडुसा है, पॉलिप से मेडुसा का कन्वर्जन एसेक्सुअल है और मेडुसा से पॉलिप का कन्वर्जन सेक्सुअल, ये सेक्सुअल है, बस यहां से। और इसी को जो है वो मेटाजेनेसिस कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो व्हेन मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप एसेक्सुअली, मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप एसेक्सुअली नहीं, सेक्सुअली होना चाहिए था, तो इसकी वजह से गलत हो गया। व्हेन पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा किसके थ्रू, एसेक्सुअली, एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप थ्रू दी सेक्सुअली। ये बिल्कुल सही चला। तो अपनी इमेज की, जो अपन ने दिमाग में इमेज बनाई है उसकी वजह से ये अपना आंसर भी अपने सामने आ जाएगा। व्हेन मेडुसा प्रोड्यूस मेडुसा सेक्सुअली, ऐसा तो अल्टरनेशन तो हुआ ही नहीं ना जनरेशन में। व्हेन पॉलिप प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, नो, ये भी नहीं जाएगा। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़े आगे जी। क्वेश्चन नंबर 9, एनिमल ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथ्स सोच। तो प्लेटीहेल्मिंथ्स जो हैं वो क्या दर्शाते हैं, ब्लाइंड सैक प्लान वो दर्शाते हैं। क्या ये ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल कहां देखने को मिला था यतेंद्र जी? ट्यूब विद इन ट्यूब जो है, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है वो आपका एसकेहेल्मिंथ्स जी, निमेटोड्स जो है। हां, निमेटोड्स। और अपन प्लेटीहेल्मिंथ्स में भी अगर देखें तो इसमें जैसे आपका टर्बिलेरिया और जो ट्रीमेटोड्स, टर्बिलेरिया ट्रीमेटोड्स, और इनमें जैसे ब्लाइंड सैक अपन कह सकते हैं, इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर होता है, मतलब सिंगल ओपनिंग है जो माउथ और एनस की तरफ बिहेव करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो सेस्टोड है, हाँ, जिसको अपन टैपवॉर्म कहते हैं, टैपवॉर्म सिस्टोडा, इनमें अपन ब्लाइंड सैक इनको नहीं कह सकते क्योंकि इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल। और एलिमेंट्री के नाल अगर नहीं है तो ये पैरासिटिक फॉर्म होने के कारण, पैरासिटिक फॉर्म है, और ये डायरेक्ट जो न्यूट्रिएंट है वो अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यतेंद्र जी मैं एक चीज और चाहूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन में, चलो ऑप्शन में ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान दिया है, क्या स्टूडेंट को थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्यूब विद इन ट्यूब? ट्यूब विद इन ट्यूब की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अपन किसी फिश का डायग्राम बनाए जो एक कॉर्डेट है ना, तो उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, आप लोग देखें कि एक ट्यूब जो है जो बॉडी के बाहर की तरफ खुद बॉडी है, और एक ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्म में exactly. उसकी बॉडी के सेंटर से गुजर रही है, जिसकी स्टार्टिंग माउथ से और एंड एनस से है, तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब। हाँ, एग्जैक्टली, ये नंबर 1 ट्यूब होगी बॉडी वॉल, और नंबर 2 ट्यूब हो जाती है अपनी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो बच्चों, एनिमल्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथ्स सोच ये ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान नहीं दर्शाते, ये ब्लाइंड सैक प्लान दर्शाते हैं। ब्लाइंड सैक प्लान विद कौन सी सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री जी। और कुछ इस तरीके से अपन इसको कह सकते हैं कि ये जो सिंगल ओपनिंग है इसी से एंट्री और इसी से एग्जिट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर अपना ये चला जाता है, ठीक है। ऐसे ब्लाइंड सैक प्लान ऑप्शन नंबर 3 में भी दिया है, लेकिन वहां पर सिमेट्री रेडियल दे दी है, लेकिन अपने को पता है प्लेटीहेल्मिंथ्स में बाइलेटरल सिमेट्री। क्या पहली बार आई है यतेंद्र जी बाइलेटरल? हाँ हाँ जी, कह सकते हैं। हाँ, प्लेटीहेल्मिंथ्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बच्चों वो बायलेटरल सिमेट्री अपने को ऑब्टेंड होती है, ठीक है। बढ़े आगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जी सर। अभी जो अपन डिस्कस कर रहे थे ये ना, प्लेटीहेल्मिंथ्स के अंदर जैसे जो सेस्टोड्स हैं उनके अंदर एलिमेंट कैनाल है ही नहीं, तो वही क्वेश्चन आ गया कि एलिमेंट्री कैनाल इज अब्सेंट इन टैपवॉर्म, कि टैपवॉर्म जो है इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, नहीं पाई जाती है, फिर इनकी सेल्स को न्यूट्रिएशन कैसे मिलेगा? तो वही अपनी जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता जी, है जी, जी। और अटैचमेंट अपने आप को बॉडी की जो म्यूकोसा है अपनी एलिमेंट के नाल उससे जुड़ा रहता है, बिल्कुल। ल्यूमेन में जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट है उनको डायरेक्टली बॉडी की सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेता है जी, जी, जी। इसलिए इसको एलिमेंट्री के नाल की नीड नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हुक्स जो है वो अटैचमेंट में रोल प्ले करते हैं। हाँ, इनका फंक्शन याद रखना है आपको, हुक्स अटैचमेंट में जी। हाँ, न्यूट्रिएंट को सक करने में कोई रोल इनका नहीं है, और रेस्पिरेशन का यहाँ पर कोई लिंक नहीं है। और दूसरा ये देखें, थर्ड पॉइंट, कि दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट थ्रू देयर बॉडी सरफेस, कि इनकी जो बॉडी सरफेस है उसी से जो न्यूट्रिएंट है वो सीधा एब्जॉर्ब हो जाएगा।
क्योंकि जो ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में है या फिर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट है तो सीधा इसी की वॉल से अब्सॉर्ब होगा क्योंकि डोर्सल वेंट्रली फ्लैट है। हाँ, डोर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल ये कहलाते हैं, बिल्कुल। तो बच्चों अपना आंसर कौन सा चला गया इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर 3। बढ़े आगे जी, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैव सिंगल ओपनिंग दैट सर्व द पर्पज ऑफ द बोथ माउथ एंड एनस। अगेन रिपीट हो गया, ब्लाइंड सैक प्लान की बात कर रहे हैं, और ब्लाइंड सैक प्लान की अगर बात करें तो बच्चों कौन आ जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें एस्टीरियस आ गया, इसकी वजह से रॉन्ग हो गया। यहाँ अगर बात करें ऑक्टोपस आ गया, इसकी वजह से रॉन्ग हो गया। यहाँ एस्केरिस अगेन आ गया क्योंकि एसके हेलमिंथ्स, एस्केरिस बिलोंग टू द फाइलम एसके हेलमिंथ्स, और एसके हेलमिंथ्स में अपने को पता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान पाए जाते हैं, सिलेंट्रेट, टीनोफोर और प्लेटीहेलमिंथ। जी जी, तीनों में ब्लाइंड से बता सकते, सिलेंट्रेटा, टीनोफोर्स एंड प्लेटीहेलमिंथ्स, तीनों में क्या पाया जाता है, ब्लाइंड सैक प्लान पाया जाता है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये आपको याद रखना है, ये दुगेशिया जो है ये क्या है, इसका कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया। और कैसा है ये, फ्रेश वाटर एंड फ्री लिविंग कहलाता है। ये दो करेक्टर भी इसके याद रखने हैं आपको, फ्रेश वाटर है एंड फ्री लिविंग, और हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। वेरी गुड, थैंक यू यतिन जी, थैंक यू। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, ये भी एक अच्छा फीचर है इनका। इसमें जो सिंगल ओपनिंग वाला जिसको ब्लाइंड सेक बोला, तो एक चीज और अपन और बताऊं, बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी प्रेजेंट है। टू विद इन ट्यूब्स है वो कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि दोनों ओपनिंग है, माउथ अलग पर है ना सर। जी जी, बढ़िया आगे जी। फ्लैटवर्म डिफर फ्रॉम राउंडवर्म इन हैविंग, तो फ्लैट वॉर्म मतलब प्लेटी हेलमेंट्स, राउंड वॉर्म मतलब एसके हेलमेंट्स। तो फ्लैट वॉर्म का करेक्टर होना चाहिए जो किसमें नहीं है, एसके हेलमेंट्स में नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हैं ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो दोनों ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सॉलिड मीजोडर्म, एग्जैक्टली सॉलिड मीजोडर्म पाई जाती है किसमें, प्लेटी में, लेकिन वहां पर पाउच के रूप में हो जाएगी। जी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा यतिंद्र जी बता रहे हैं आपको, देखें आप लोग देखें कि एक्टोडर्म बाहर, एक्टो और अंदर की तरफ एंडो हो जाएगी, और बीच में ये सॉलिड मेसोडर्म है, ये सॉलिड मेसोडर्म होगी, प्लेटी हेलमिंथ्स का करेक्टर हो गया ये, सॉलिड मेसोडर्म। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चे ये भी पूछते हैं, सर ये बीच में क्या रह गया, तो ये इनकी जो गट वाला पार्ट है, गट वाला पार्ट वो बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं एस के हेलमिंथ्स की अगर बात करें तो पाउच की फॉर्म में मिल जाएगी, वो पाउच की फॉर्म में होता है, वो स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड पाउच के रूप में, तरीके से। तो ये जिसको सुडोसिलोम बोलते हैं, सुडोसिलोम। और एक क्वेश्चन इस पे और बढ़िया पूछते हैं कि जो एसके हेलमिंथ्स में जो सुडोसिलोम है, हाँ, किससे डिराइव हुई है। जी जी, तो उसको अपन बता सकते हैं कि एम्ब्रियो के ब्लास्टोसील से, ब्लास्टोसील से डिराइव होती है। अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू यतिंद्र जी। ब्लास्टोसील से डिराइव्ड ये सुडोसील जो है ये कहलाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करके रखें, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आंसर कौन सा चला गया, सॉलिड मेसोडर्म, जो कहां पाई जाती है, फ्लैट वॉर्म में तो होती है, लेकिन कहां नहीं पाई जाती है, राउंड वॉर्म में। बायलैटरल सिमेट्री दोनों में पाई जाती है। मेटामॉर्फोसिस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री, इसकी बात मतलब मेटामॉर्फोसिस सर बात करें मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वल स्टेज, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वल स्टेज, बिल्कुल। नेक्स्ट चलें जी। डायोशियस मींस, यहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, इंग्लिश के रेस्पेक्ट में कंफ्यूजिंग है, वैसे हिंदी में इसको जो है वो एक लिंगाश्रय कहा जाता है, और इसका मतलब होता है एक लिंगी जंतु, ठीक है जी। लेकिन इंग्लिश में इसका कंफ्यूजन है, डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, क्यों यतिन जी, क्या सही है? हाँ बिल्कुल, हाँ। और मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल, मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल कहलाता है, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल बॉडी, तो ये तो मोनोशियस कंडीशन बन जाएगी, मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन बन गई। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल बॉडी, एग्जैक्टली ये बात ठीक है, क्योंकि अलग अलग, या मैं इसको कहूँ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहना भी ठीक रहेगा। हाँ, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी अपन कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, की मेल और फीमेल को अपन एक्सटर्नली देख के, मोर्फोलॉजिकली अपन बता सकते हैं कि ये मेल और ये फीमेल, इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर कौन सा चला गया अपना, ये चला गया थर्ड, कह रहा है मेल गैमिट गेट मैच्योर्ड बिफोर फीमेल गैमिट। नहीं नहीं, ऐसा कोई इसका लिंक नहीं। हाँ, मेल गैमिट का मैच्योरेशन फीमेल गैमिट से पहले होना ये एक कंडीशन है, इसको एक साइंटिफिक नेम टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, प्रोटेंड्रस कंडीशन है, प्रोटेंड्रस। और फीमेल गैमिट गेट मैच्योर बिफोर मेल गैमिट, ये जो है ये कंडीशन क्या कहलाती है यतिंद्र जी,
ये तो कहलाती है प्रोटेंड्रेस, इसको नाम लिख देते हैं अपन। प्रोटेंड्रेस कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो अपना आंसर तो कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 14। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एस्केरिस व्हिच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, जी यतेंद्र जी। हाँ, तो इसमें पूछा कि एस्केरिस में जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है उसके लिए क्या सही है। तो आप लोग देखें कि ये जो है वो मेल एस्केरिस है, जिसकी लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो लेंथ इसकी छोटी होती है और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो मुड़ा हुआ कर्व्ड है, और फीमेल एस्केरिस की बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है और उसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो मतलब सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। तो यही दोनों के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे मैं एक एनसीईआरटी ने भी कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, मैं थोड़ा सा वहां पे जाना चाहूंगा, उसको थोड़ा सा ऊपर किया हुआ। जी जी जी, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि एनसीईआरटी का जो डायग्राम है इनके रेस्पेक्ट में वो कुछ इस प्रकार का डायग्राम है, ठीक है, और दूसरा डायग्राम आपको इस प्रकार बता रखा है, ठीक है। फिर बच्चा क्या देखता है यतेंद्र जी, बच्चा देखता है कि मुड़ा हुआ पार्ट तो ये है, लेकिन ये मुड़ा हुआ पार्ट नहीं है, ये तो इलोंगेटेड बॉडी ही है। टिल्टेड पार्ट कौन सा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा। तो ये इंडिविजुअल तो क्या बन गया, मेल, और ये इंडिविजुअल क्या बन गया, फीमेल। ये तो आप स्पेस नीचे पूरा अगर सीधा करते स्पेस ज्यादा, हाँ एग्जैक्टली। तो फीमेल जो है वो क्या होती है, लंबी होती है, पोस्टीरियर एंड इसका स्ट्रेट कहलाता है। मेल जो है ये शोल्डर साइज का कहलाता है, पोस्टीरियर एंड इसका कर्व्ड कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन अपने को देखना है। मेल इज लॉन्गर देन फीमेल, नो, ये बात तो गलत होगी। मेल इज शॉर्टर देन फीमेल, बिल्कुल ठीक बात है। एंड पोस्टीरियर एंड इज स्ट्रेट, नहीं, मेल का तो पोस्टीरियर एंड कर्व्ड कहलाएगा, तो ये इसकी वजह से गलत हो गया। फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, फीमेल मेल से लॉन्गर है एंड इट्स पोस्टीरियर एंड इज स्ट्रेट। तो आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी यतेंद्र जी, इन एस्केरिस, एस्केरिस में पाया जाता है, तो अगर अपन एस्केरिस की बात करें तो एस्केरिस जो है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है ना, मेल अलग और फीमेल अलग अलग है, तो अगर इसके रेस्पेक्ट में अपन देखें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल सही है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज के अंदर होती है, लार्वल स्टेज पाई जाती है। जी, अब यहाँ पर एक्सटर्नल की वजह से ये रॉन्ग हो गया, और यहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्ट दे दिया इसलिए गड़बड़ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल दे दिया इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो अपना सही हो जाएगा फर्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट कैसा हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर हो गया अपना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मैच द फॉलोइंग एनिमल विद देयर कॉमन नेम, कॉमन नेम पूछा है यहाँ पर। एस्केरिस का कौन सा हो जाएगा, राउंड वर्म हो गया। एंड साइक्लोस्टोमेटा हुक वर्म कहला गया, थर्ड हो जाएगा। वुचेरेरिया फाइलेरियल वर्म कहलाता है जी, और एंट्रोबियस पिन वर्म कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइलेरियल वर्म इसलिए कहा जाता है, ये फाइलेरियसिस एलिफेंटियसिस कोज करता है, डिजीज कोज करता है। जी 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 बिल्कुल, इसलिए इसको फाइलेरियल वर्म भी कहा गया है। फाइलेरियसिस कह दो बच्चों, या फिर एलिफेंटियसिस कह दो, एक ही बात है, ठीक है। अब अपना 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 2 चला गया। यहां आपको एक चीज और याद रख लेना, क्योंकि एग्जांपल नो डाउट ट्रिक से याद रखने होते हैं। इस नाम में देखिए आप एंटर वर्ड आ रहा है, एंटर मतलब जैसे स्किन के एंटर, तो स्किन के अंदर आसानी से कौन एंटर कर सकती है, पिन एंटर कर सकती है, तो अपन इसको याद कर ले पिनवॉर्म के रूप में, ठीक है। ऐसे ही एंड साइक्लोस्टोमेटा, एंड साइक्लो वर्ड ऐसा लग रहा है अटकने वाला सा, और अटकने वाला मतलब हुक कहलाता है, इसकी जो ओरल कैविटी में हुक लाइक स्ट्रक्चर है, हुक लाइक स्ट्रक्चर, इंटेस्टाइन से अटैचमेंट में इसकी हेल्प करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसके जो एग होते हैं उसमें पिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हाँ हाँ हाँ, और वो एग ही अपने एनल एरिया में देता है, तो वो अपने को जो है वहां पे इरिटेट करती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपना 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फॉर लोकोमोशन एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन विद साइजोसिलोम आर फीचर ऑफ, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल भी पाई जाएंगी लोकोमोशन के लिए, मेटामेरिक सेगमेंटेशन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनेलिड्स, एंड साइजोसिलोम क्या फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयर हुई है,
साइजोसिलोम एग्जैक्टली सबसे पहले अपीयर हुई है साइजोसिलोम और फिर एंटेरो तो यूसिलोमेट के दो टाइप बन जाते हैं बच्चों, एक साइजोसिलोमेट एनिमल कहलाता है, एक एंटेरोसिलोमेट कहलाता है। साइजोसिलोमेट जो एनिमल होते हैं उनमें जो मीजोडर्म होती है वो स्प्लिटिंग के कारण बनती है, और एंटेरोसिलोमेट जो एनिमल होते हैं उसमें गट से निकलने वाले एक पाउच के रूप में मीजोडर्म, आउट पॉकेटिंग की फॉर्म, आउट पॉकेटिंग जो है उसकी फॉर्म में मीजोडर्म का डेवलपमेंट यहां पर देखा जाता है। तो ऐसा मतलब ये किसका फीचर कहला गया, ये कहला गया एनेलिडा। अब अपने को सर्च क्या करना है, एनेलिडा कौन है इनमें से, तो आप देखें नेरिज जो फॉर्म है ये एनेलिड कहलाती है, ठीक है। और अपन अगर सुनील जी मसल की अगर बात करें तो इसमें दोनों टाइप की मसल दे रखी है, जी जी जी, सर्कुलर भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। इससे पहले प्लेटी एलमन थी, इससे पहले जो है वो एसकेलमेन थी आए थे, एसकेलमेन उनके अंदर अपन जो है वो सर्कुलर मसल के बारे में बताते हैं, लॉन्गिट्यूडनली वो नहीं हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर एनेलिड के अंदर दोनों मसल आ गई, दोनों मसल की प्रेजेंस देखी जाएगी, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, नमस्कार दोस्तों, कैसा लग रहा भाई? तो हमारे दोनों प्लेयर जूलॉजी में आपके साथ आ गए, आपने पहला वीडियो मेरा देखा फिजिक्स का, अब हमारे सोनेश शोरान सर जो चिर परिचित नाम है सीएलसी में लॉकडाउन के दौरान, जितेंद्र उपाध्याय सर बहुत मजबूत प्लेयर है, मेरी टीम के प्लेयर है, और दोस्तों आप समझ रहे ऐसे ही हम लोग आपको 180 वीडियो देंगे, और ये मेरा बड़ा मिशन है, और वाहेगुरु के आशीर्वाद से जिस मिशन को हम लोग हाथ में लेते हैं बहुत शानदार जाता है, इसका प्रमाण है पिछले 6 महीने लॉकडाउन में हमारा सीएलसी के द्वारा बच्चों के लिए किया गया काम। ओके डियर, कहां पहुंचे? क्वेश्चन नंबर 17 में। कितने क्वेश्चन ले रहे हो? 60। ओके थैंक यू, लगे रहो जी, थैंक यू बॉस। तो बच्चों यहाँ पर यतेंद्र जी मैं बताना चाहूंगा, जो बेलेनोग्लोसस है, इस बेलेनोग्लोसस की जो बॉडी सरफेस है इस पर कुछ सीलिया जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो इसके मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये जो है क्रीपिंग मूवमेंट दर्शाता है। एक्चुअल में जो है बेलेनोग्लोसस का जो एंटीरियर पार्ट होगा जिसमें प्रोबोसिस और कोलर पार्ट होगा उसको तो ये ऊपर उठाता है, ऊपर उठा के आगे एक्सटेंड कर जाता है, और फिर पीछे का जो पार्ट है उसको ये ड्रैग आउट करता है। तो इसके लिए मैं अगर कहूं तो ये ड्रैगिंग मूवमेंट दर्शाता है। ये कैसा दर्शाएगा? ड्रैगिंग मूवमेंट दर्शाता है। लोकस की अगर बात करें तो आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस की बातें तो हो जाएंगी। और एस्केरिस की अगर बात करें तो एस्केरिस में बच्चों जो एंटीरियर पार्ट होगा एस्केरिस का, वहां पर डोर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल मसल्स जो हैं उनकी प्रेजेंस के कारण ये अंडुलेटिंग मूवमेंट समवॉट दिस लाइक, तो इस प्रकार का मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आर्थ्रोपोड किसकी बात, और ये एनेलिडा की, एनेलिडा कौन से चला गया? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बॉडी एक्सटर्नली भी सेगमेंट में डिवाइडेड हो और इंटरनली भी सेगमेंट में डिवाइडेड हो, इसमें सेगमेंटेशन होता नहीं, इसमें होता नहीं है, बिल्कुल इसमें सेगमेंटेशन है, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन की बात होती है आर्थ्रोपोड्स में, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाएगा। और यहाँ पर एस्केरिस में इसमें भी अपन कह सकते हैं सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड जो है वो एनेलिड भी है और ऑर्थोपोड्स भी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। और मोलस्क और आपके जो इकाइनोडर्मेट्स हैं वो आपके अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड कहलाएंगे। चले आगे, आनंद आ रहे हैं आपको? बिल्कुल। हमारे स्टूडेंट भी एंजॉय कर रहे होंगे काफी। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फाइला शोज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंस ऑफ साइजोसिलोम। मतलब साइजोसिलोम मतलब आपका एनेलिडा, एस्केलमेंथी से लेके, सॉरी साइजोसिलोम तो आपका एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जी जी, ये साइजोसिलोम आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा दे दिया जो कि कैसा है, एंटेरोसिलोमेट हो गया। यहाँ पर एनेलिडा आर्थ्रोपोडा बिल्कुल ठीक है, आर्थ्रोपोडा एस्केलमेंस ये सुडोसिलोमेट हो गया, एसके हेलमेंट्स मोलस्का, ये एसके की वजह से गलत हो गया, आंसर अपना सेकंड। तो नो डाउट काफी इजी क्वेश्चन था, बढ़े आगे चले। जी जी यतेंद्र जी, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ इनवर्टिब्रेट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, है ना भाई, एक जैसा टास्क जो है वो कैरी आउट करे। तो आप लोग यहाँ देखें कि जो स्केटोसिस्ट है ये बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंसिंग ऑर्गन का बैलेंस मैनुअल है, बाकी जो टेंटेकल्स हैं वो उनके सेंसरी, हाँ ये सेंसरी स्ट्रक्चर है जिनपे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इनका टास्क अपन एक जैसा नहीं शो कर सकते, नहीं कर सकते हैं। बाकी एंटीना और जो टेंटेकल्स हैं ये सेंसरी हैं, दोनों टास्क जो है वो सिमिलर है, हाँ, क्योंकि इन पर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, बिल्कुल, जो अलग अलग टाइप के सेंसेशन जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। रेडुला की बात करें जो की मोलस्का का फीचर है, बिल्कुल, और रेस्पिंग लाइक, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन,
और ये फूड के जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसमें छिलने में मदद करता है एक्चुअल में। और ऑस्फ्रेडियम जो है वो मोलस्क के अंदर पोस्टीरियर साइड जो केविटी ऑल्फैक्टरी जी, और ये जो है एक टाइप का कीमो सेंसर है जो वाटर की केमिकल नेचर को सेंस करता है कि पानी में फूड है या नहीं। जी जी जी, उसकी प्रेजेंस को ये सेंस करता है। तो अपन इसको भी सिमिलर नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते, सही बात। हुक्स का टास्क अटैचमेंट में पहले बताया था, नाइटोब्लास्ट का अटैचमेंट के अलावा बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे ऑफेंस डिफेंस अपने पहले भी बात की थी। मोर अप्रोप्रिएट अपना आंसर सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। थैंक यू यतेंद्र जी, आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें की और ये हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। जी, चले आगे। जी, क्वेश्चन नंबर 20, लीचेज हैव ए न्यूरल सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ। तो लीच की बात करें, एनिडा की बात हो रही है। हाँ, मतलब जैसे इनवर्टिब्रेट में अपने बच्चों को पढ़ाया कि इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल होता है, डबल एंटीरियर जैसे हेड में कुछ गैंग्लियन की फॉर्म होती है। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी बॉडी की पूरी लेंथ में वेंट्रल होता है, नर्व कॉर्ड डबल होता है, और इंटरनली सॉलिड होता है, और पेयर्ड गैंग्लिया भी पाए जाते हैं। ठीक है, ओल्ड डेट में अपन बताते हैं कि ना जो नर्व कॉर्ड है वो डोर्सल होता है, सिंगल होता है, होलो होता है, बस बिल्कुल। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पर अनपेयर्ड आ गया, यहाँ पर अनपेयर्ड आ गया, तो इसकी वजह से ये गलत हो गए। ठीक है, यहाँ पर पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व टू डबल मिड डोर्सल की वजह से गलत हो गया। तो फिर आंसर चला जाएगा, पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व टू द डबल भी होती है, मिड होती है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना आंसर चला जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चों बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 21। जी यतेंद्र जी, फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ डायोसियस एनिमल। जैसा कि अभी आपको सर ने पहले ही डायोसियस और मोनोसियस के बारे में भी बताया था, तो डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। जी जी, यूनिसेक्सुअल एक लिंगी। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर फेशियोला जो है आपका फेशियोला हेपेटिका, तो ये आपका एक फ्लैटवॉर्म है, मोनोसियस है, मोनोसियस कंडीशन, अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑप्शन बाहर हो गया, अपन को डायोसियस देखना है। टीनिया जो है वो मोनोसियस हो गया, तो इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। बिल्कुल, फेशियोला फिर आ गया। तो यहाँ पे देखिए नेरिस और बेलेनो ग्लोसस यूनिसेक्सुअल एनिमल ये कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर कौन सा लगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ग्रुप ऑफ सेंसरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड के सेंसरी ऑर्गन के बारे में अगर बात करें तो सिंपल आई, ठीक है बिल्कुल है, एंटीना, स्टेटोसिस्ट, ओनली लगा दिया। हाँ, ओनली लगा दिया, केवल ओनली की वजह से ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर देखें कंपाउंड आई है, ऑस्फ्रेडियम, ये वो मोलस्का वाला ऑल्फैक्टरी जो कीमो रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन बताया था, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग के लिए हो गया। ठीक है, स्टेटोसिस्ट तो किया लेकिन ये इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। कंपाउंड आई है, टेंटिकल्स है, स्टेटोसिस्ट फिर से क्या लगा दिया, ओनली लगा दिया। यहाँ पर देखें एंटीना है, सिंपल आई या कंपाउंड आई या स्टेटोसिस्ट, बिल्कुल तो आंसर कौन सा चलेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, हाँ एप्रोप्रिएट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब ए लिविंग फॉसिल। सुनिए, लिविंग फॉसिल जैसा कि अपन ने बच्चों को बताया, बिल्कुल, कि जो काफी टाइम पहले इवोल्व हुए थे और बिना किसी चेंज के समय के साथ साथ आज भी वैसे के वैसे हैं, रिमेन अनचेंज्ड हैं, जी इनको लिविंग फॉसिल कहा गया है। और जैसे आपका लिमुलस है, किंग क्रैब लिविंग फॉसिल है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा भी जैसे एक फिश है जिसको अपन फिश और एम्फीबियन के बीच में कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, लेटिमेरिया, तो yes. वो लिविंग फॉसिल के लिए बात की जा रही कि जो लंबे टाइम से बिना किसी बदलाव के आज भी एग्जिस्ट करे। बिल्कुल, इसको टेक्निकली इवोल्यूशन अपन स्टेसिजेनेसिस भी कहते हैं, स्टेसिजेनेसिस। जी जी जी, तो ऐसा इसमें अपने को कुछ देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनिज्म रिमेन अनचेंज्ड टिल डेथ फ्रॉम देयर टाइम ऑफ इवोल्यूशन। बिल्कुल, कि उनके इवोल्यूशन वाले टाइम से लेके अब तक जिनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं आया। हाँ, तो सही एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। इसमें क्या आप जैसे इसमें कह रहे हैं, देर आर वेरी फ्यू चेंज की बात कर ली तो गड़बड़ हो, तो चेंज तो होने ही नहीं है। देर इज नो चेंज इन एनिमल सिंस इट्स ओरिजन से ही चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो बेबी फॉर्म है वहां से एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, चेंज जाएंगे। एक्सटेंशन भी लिख दिया तो हाँ, वो तो जिंदा है ही। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। द ऑर्गेनिज्म रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिन बट स्लोली अंडरगोइंग चेंजेस। चेंज तो होगा ही, चेंज नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो लिविंग फॉसिल
में क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स इवोल्यूशन। टर्टल को भी अपन लिविंग फॉसिल बता सकते हैं। हाँ, टर्टल को भी बता सकते हैं। आज भी वैसा का वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़े आगे। हाँ पक्का, चलिए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंसेक्ट इज ऑफ सोशल इंसेक्ट, तो सोशल इंसेक्ट की अगर बात करें, ग्रुप में जो रहते हैं, हाँ ग्रुप में रहते हैं, कास्ट होती है, लेबर ऑफ डिवीजन भी कास्ट में डिस्ट्रीब्यूट देखा जाएगा। और ऐसा किस में देखा जाता है, एंट्स में, हनीबी में, टर्माइट्स में लेबर ऑफ डिवीजन जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा। लोकस जो है वो ग्रीगेरियस पेस्ट, झुंड में रहने वाला, लेकिन ये एक दूसरे से हेल्प नहीं करते हैं। हाँ हेल्प नहीं करते हैं एग्जैक्टली। बच्चे एक्चुअल में ये सोच जाते हैं कि सर ये भी तो एक साथ फैमिली की तरह रहते हैं परिवार, ये हेल्प हेल्प नहीं करते हैं यहाँ पर। लेबर ऑफ डिवीजन जो है तो काफी अटैक साहब सही का आपने, सही का। तो यहाँ पर बॉम्बिक्स हो गया, हनीबी हो गया, एंट्स हो गया, ठीक है बॉम्बिक्स की वजह से। यहाँ पर लैसिफर, एंट्स, लोकस्ट, इनकी बात कर ले, फिर से लोकस्ट आ गया, तो करेक्ट सेकंड हो गया, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल शो बाइलेटरल सिमेट्री, ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रूसिलो, है ना, ट्रूसिलो। तो ऐसा करेक्टर बॉम्बिक्स, ऑर्थोपोड है इसमें, ये आपका मोलस्क हो गया, मोलस्क हो गया, ये जो है आपका यहाँ पर शुडोसिलोमेटा, हाँ ट्रूसिलोम, ये शुडो हो गया, इसलिए गड़बड़ हो, बिल्कुल ठीक बात है। ये एनकाइलोस्टोमेटा, ये भी आपका एस्केलेमेंट, इसलिए रॉन्ग हो गया। लिमुलस ऑर्थोपोड है, बॉम्बिक्स ऑर्थोपोड है, लेकिन ये फिर एस्केरिस आ गया, एस्केरिस आ गया, नेमेटोड राउंड होम है ना, शुडोसिलोमेटा, ये लिमुलस ऑर्थोपोड, ऑक्टोपस मोलस्क है, और बेलेनोग्लोसस आपका हेमिकोडेट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री भी है, सब में है, सिस्टम भी, ऑर्गन सिस्टम भी, ट्रूसिलोम भी है, तो करेक्ट आंसर अपना फोर्थ हो जाएगा। जी जी जी, जी। बाकी इन दो में ट्रूसिलोम में साइज हो गई, और इसके अंदर एंटेरोसिलोमेट हो जाती है, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स, कौन सी हो जाएगी, एंटेरोसिलोमेट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द हैबिटेट ऑफ मोलस्क, मोलस्क की हैबिटेट के बारे में बात करें तो मैं एनसीईआरटी की लाइन पर ही जाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसे होते हैं, टेरिस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, उसमें भी दोनों हैं, फ्रेश वाटर भी हैं और मैरीन वाटर भी हैं, यूनियो जो है ना, बिल्कुल ड्राई जो कंडीशन होती है डेजर्ट में, वहां पर भी मिल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना आंसर इसके अकॉर्डिंग चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्क इज, करेक्टरिस्टिक फीचर जो केवल इसी में ही पाया जाता है, तो सेल की अगर बात करें तो सेल तो अदर फाइला तो में भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी कवर्ड बाय फ्लैशी मेंटल, और किसी में नहीं मिलेगी जी, ये करेक्टरिस्टिक फीचर अपन कह सकते, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स, तो टेंटिकल्स तो अपने हाइड्रा में भी देखे थे, ऑर्थोपोड्स में भी, ऑर्थोपोड्स में भी देखे थे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ गिल्स, गिल्स अपन जैसे ऑर्थोपोड में भी बताते हैं, हाँ बिल्कुल, एक्वेटिक फॉर्म में, क्रस्टेशियन के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, और आगे फिर फिशेज, और आगे बोर्डेट में भी, बोर्डेट में तो आ ही जाएंगे, ठीक बात है। करैक्टरिस्टिक्स फीचर अपन ने इसको नहीं कहेंगे, जी जी जी। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जी यतेंद्र सर, फाइंड आउट द एनिमल ग्रुप व्हिच आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, है ना, केवल मैरीन हैबिटेट के अंदर, पूर्णतया पूर्णतया जी, हाँ जी। तो इसमें देखें कि कुकुमेरिया, ऑक्टोपस और लिमुलस, क्लियर ना, तो लिमुलस अपना ऑर्थोपोड्स है, ये मैरीन हैबिटेट में रहता है, ऑक्टोपस भी मैरीन है, और ये मोलस्क है, और कुकुमेरिया सी कुकुम्बर और ये भी मैरीन फॉर्म है, मैरीन फॉर्म पाया जाता है, ठीक बात है। उसके बाद स्पोंजिला की वजह से फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गया, और यहाँ भी स्पोंजिला आ गया, और इसमें यूनियो की वजह से ये मोलस्क है, तो इनकी वजह से ये सेकंड थर्ड फोर्थ रॉन्ग हो, बिल्कुल बिल्कुल। ये यतेंद्र जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर मोलस्क कौन सा है, जी जी जी, तो ये फ्रेश वाटर मोलस्क हो जाएगा, स्पंजिएला जो है ये फ्रेश वाटर स्पंज कहलाती है, ठीक है। तो कंप्लीटली मैरीन पूछा है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर, बढ़े आगे, चलिए जी। नेक्स्ट, बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, बायोल्यूमिनेसेंस लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी कहलाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अंधेरे में चमकते हैं, लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाती है, बायोल्यूमिनेसेंस कहलाती है। तो किसमें ऐसा देखा जाता है, बाकी में कह रहे हैं कि केवल सम इनवर्टिब्रेट में ये सब हो जाता है, फ्यू एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट इनमें भी देखा जाता है, और फ्यू कोडेट्स में भी देखा जाता है, जी जी, हेमिकोडेट्स के अंदर, हेमिकोडेट्स के अंदर, जी जी। ऐसा कुछ था भी सही ना, किसके द्वारा, उसके एग के द्वारा एमिट किया जाता है, पायरेनोसोमा, इसके जो एग होते हैं उसके साथ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो वो ऐसा एक्टिविटी शो करते हैं, पायरेनोसोमा के द्वारा जो है, ये बिलोंग किसे करेगा यतेंद्र जी, हेमिकोडेट है, कोडेट के अंदर सब फाइलम, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल, तो अपना आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट बढ़े, द करेक्टर विच इज नॉट रिलेटेड विद द सी लिली। सी लिली जी, सेक्सेज आर सेपरेट इनमें कहलाते हैं, फर्टिलाइजेशन यूजुअली कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नॉट रिलेटेड पूछा है इससे, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। अपने को पता है इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम की अब्सेंस देखी जाती है, ठीक है, तो आंसर कौन सा चलाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री, इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो अपना आंसर चला गया ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट, तरीके से अपन सुनील जी कह सकते हैं कि ना जैसे इवोल्यूशन जब हुआ तो जो पोरीफेरा है वो सिंपल है और लास्ट के अंदर नॉन कोडेट में इकाइनोडर्मेट है और उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं है, तो एक तरीके से उसका ये डीजनरेटेड फीचर अपन कह सकते हैं, डीजनरेटेड फीचर कहलाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना डेवलप फाइलम होने के बावजूद भी इसके जो लोअर तो फाइलम है उनके मेंबर ज्यादा इस मामले में उनसे आगे, क्योंकि सिमेट्री के बेसिस पर भी अगर बात करें तो अगेन वापस कैसी आ गई है, फिर और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टाइप का हो गया, तीनों को अपन डीजनरेट फीचर बता सकते, डीजनरेटेड फीचर है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 जी सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, ट्रू स्टेटमेंट जो बच्चों से पूछा जा रहा है जी, तो पहला है कि ऑल बायलेटेरियंस आर ड्यूटेरोस्टोमेट, ड्यूटेरोस्टोमेट का मतलब है कि पहले माउथ सॉरी पहले जो है वो एनस बनेगी और फिर माउथ का फॉर्मेशन होगा अदर देन ब्लास्टोपोर। एक होता है प्रोटोस्टोमेट, प्रोटो में पहले माउथ बनता है बाद में एनस बनता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ट्यूब विद इन ट्यूब अपन ने बच्चों को बताया था, तो ट्यूब विद इन ट्यूब जो है उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जी सर जी सर, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, एनस से खत्म होती है, खत्म हो जाती है, तो ये अपने एस्केलमंथी से आ गया, ठीक है। और उसके अंदर अपन देखें तो एस्केलमंथी से लेकर के आपके मोलस तक जो प्रोटोस्टोमेट हो गए मोलस्का तक, इकाइनो से लेके पूरे जितने भी कॉर्डेट आता है कि क्या कहलाते हैं, ड्यूटेरोस्टोम एनिमल कहलाते हैं, तो बायलेटेरियंस तो प्लेटी से चालू हो गए और ड्यूटेरोस्टोम चालू हो रहे हैं इकाइनोडर्मेटा से, इसका मतलब ये बात होगी यतेंद्र जी गलत जी। जैसे अपन बात करते हैं कि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, प्रोटोजोआ में आपके जो है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म आ गए, मेटाजोआ में यू मेटाजो पेराजोआ और यू मेटाजोआ, पेराजोआ में पोरीफेरा आ गया और यू मेटाजोआ में सिलेंट्रेट से लेके सारा कॉर्डेटा तक आ गया जी। तो इसमें लिखा है कि यू मेटाजोआ डू नॉट हैव टिश्यू लेवल, तो यू मेटाजोआ में तो सिलेंट्रेटा भी आ रहा है, स्पंजी और सिलेंट्रेट में टिश्यू लेवल होता है, होता पाया जाता है, जो है वो भी गड़बड़ गलत हो गया। एनालिड ऑर्थोपोड एंड मोलस्क आर प्रोटोस्टोमेट, जैसा कि अभी अपन ने बात भी की, बिल्कुल एनालिड ऑर्थोपोड्स और मोलस्क जो है ट्यूब विद इन ट्यूब है और पहले माउथ बनता है बाद में एनस बनता था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात। ये वाला देखें ऑल एसिलोमेट आर ड्यूटेरो, ये तो गड़बड़ी हो गया, ठीक बात है, एसिलोमेट फॉर्म की बात करेंगे एस्केलमिन से पहले की बात हो जाएंगी, ठीक है, तो ये वैसे गलत हो गया, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बढ़े आगे जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 32, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्रोटोजोवन्स, ट्रू पूछा है, तो ऑल प्रोटोजोवन रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, ओनली सेक्सुअली करना, ये बात गलत है, एसेक्सुअल भी पाया जाता है, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में जाएं, एग्जैक्ट लाइन दी हुई है, सबसे प्रिमिटिव रिलेटिव कहलाते हैं, ऑल सार्कोडिन्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सभी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन फॉर्म भी, मैराइन फॉर्म भी प्रेजेंट होती है, तो ये गलत हो गया, मैराइन एंड पैरासिटिक प्रोटोजोआ लैक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्रेश वाटर में पाई जाएगी, फ्रेश वाटर में होगी, उसमें एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या सुनील जी कि जैसे फ्रेश वाटर में जैसे कोई प्रोटोजोआ है, हमें बाकी अपन बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन उसका है जिसको अपन प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, तो ये तो हो गया हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक हो गया, और बाहर की तरफ जो वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है क्योंकि ये फ्रेश वाटर में, बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया हाइपरटोनिक, टॉनिक, तो अपन ने बच्चों को बताया कि जो ऑस्मोसिस है उसके अंदर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन, ये अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मूवमेंट ऑफ वॉटर किधर होगा, सेल के अंदर अंदर हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर अंदर आ रहा है तो उसको वापस बॉडी के बाहर
की तरफ निकालना है तो उसके लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की नीड होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जरूरत हो जाएगी। और जो पैरासाइटिक फॉर्म होती है जी जी जी, या जो मैरीन फॉर्म होती है उनके अंदर तो अपन देखें तो बाहर की तरफ हाइपोटोनिक हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए उसके अंदर वाटर बाहर मूव कर रहा है, बाहर मूव कर रहा है, उनको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की नीड नहीं होती, नीड नहीं है। तो ये बात भी क्या हो गई, ठीक हो गई। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग ट्रू पूछा है, इसका मतलब कितने ट्रू हैं, बी और डी। तो दो ऑप्शन जो हैं वो ट्रू हो जाएंगे, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, पैरापोडिया आर लेटरल अपेंडेजेज, इनकरेक्ट, वेरी गुड। पैरापोडिया आर लेटरल अपेंडेजेज इन आर्थ्रोपॉड्स यूज्ड फॉर स्विमिंग, तो पैरापोडिया तो एक्वेटिक एनलिड में पाया जाता है, नेरीज में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। तो ये आर्थ्रोपॉड की जगह जो है ये क्या आना चाहिए था, कुछ इस तरीके से ऐसे पैरापोड, बिल्कुल। तो ये एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड में हो जाएगा, एक्वेटिक एनलिड, एनलिड्स कौन सा हो गया, नेरीज। आगे तो ये तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, नहीं नहीं सॉरी इनकरेक्ट हो गया, आर्थ्रोपोडा दिया हुआ है। रेडुला इन मोलस्का इज ए स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, नहीं नहीं एक्सक्रीशन, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कहलाता है, भोजन को छीलने के काम आता है, ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं जी। एस के हेलमिंथ्स आर डायोइशियस यूनिसेक्सुअल एनिमल, बिल्कुल ठीक बात है, मेल एंड फीमेल जो है वो देखे जाते हैं। अडल्ट इकाइनोडर्मेट शोज रेडियल सिमेट्री, और रेडियल में भी पेंटामेरस रेडियल बोले, बिल्कुल। तो ये बात क्या है, करेक्ट है। टीनोफोर्स आर डिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल ठीक बात है। तो करेक्ट कितने हो गए बच्चों, वन टू, इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट तो तीन हो गए, इनकरेक्ट वन और टू, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर वन चला जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 जी यतेंद्र सर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल ईच इज करेक्टली मैच्ड विद देयर करेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर, है ना, करेक्ट मैच वाला क्वेश्चन इसके अंदर सुनील जी बच्चों से पूछा गया। जी सर, जी सर। तो जैसे सेंटीपीड है, प्रॉन है, तो ये जो है ये तो हो गए ऑर्थोपोड्स, ऑर्थोपोड्स, सी अर्चिन जो है वो मोलस्क हो गया, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस तो फिर ऑर्थोपोड का फीचर हो गया, आर्थ्रोपोडा का करेक्टरिस्टिक फीचर जॉइंटेड अपेंडेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, कॉकरोच ये जो है वो ऑर्थोपोड्स है, ऑर्थोपोड्स है, लेकिन करेक्टर इनका वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्व कॉर्ड, अच्छा ये इन नॉन कॉर्डेट भी, हाँ नॉन कॉर्डेट का फीचर है, नॉन कॉर्डेट का फीचर है, तो आंसर ये चला जाएगा वैसे तो। और कॉर्डेट के अंदर यही अगर देखें तो डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अगला है कॉकरोच, लोकस्ट और टीनिया, ये प्लेटियल में डीज हो गए, वो दोनों ऑर्थोपोड हो गए, बिल्कुल। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन केवल इन दोनों में होगा, और इसके अंदर शुडो सेगमेंटेशन पाया जाता है। लिवर फ्लूक, सी एनिमोन और सी कुकुम्बर, तो ये ज्यादा डेवलप्ड है, और ये आपका सी कुकुम्बर है जी। आगे इकाइनोडर्मेट से, और बाइलेटरल की बात करें, हाँ। जैसे ये बाइलेटरल हो गया, बिल्कुल। सी एनिमोन ये पेंटामेरस रेडियल पाया जाता है, सी एनिमोन रेडियल, एग्जैक्टली हाँ सिलेंट्रेट, ठीक है, सिलेंट्रेट हो गया रेडियल, हाँ। इसमें पेंटामेरस रेडियल हो जाएगा और ये रेडियल सिमेट्री हो जाएगा सी एनिमोन, ठीक है, तो ये इसलिए गड़बड़ हो गया, ठीक है, चले आगे, अपना आंसर सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल, आंसर नंबर सेकंड चला गया। हाँ तो बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फीचर विच इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ फाइलम विदाउट एनी एक्सेप्शन। आर्थ्रोपोड्स हैव वन पेयर ऑफ एंटीना, तो कुछ के अंदर जो है डबल पेयर भी होते हैं, डबल पेयर भी है, जो है जिसमें प्रोन आता है उसमें डबल होती है, और अरेक्निड्स की मैं बात कर लूं, स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, टिक हो गया, माइट हो गया, इनमें पाया ही नहीं जाता, इसमें एब्सेंट होता है, इनमें एब्सेंट होते हैं, तो इसका तो एक्सेप्शन हो गया, तो ये तो गलत हो गया। निमेटोड्स आर नॉन एज फ्लैटवॉर्म, निमेटोडा एस के हेलमिंथ्स को कहा जाता है फ्लैटवॉर्म, उनको राउंडवॉर्म कहा जाता है, जी 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 राउंडवॉर्म एस के हेलमिंथ्स को कहा जाता है। एनलिड्स हैव सीटा, लेकिन ये कह रहा है कि विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो नेरिज में एक्वेटिक एनलिड उनमें होते हैं, हाँ। और जो आपका हिरुडिनेरिया है उसमें नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका। इकाइनोडर्म्स हैव डेवलप्ड और रिड्यूस्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जी तो इकाइनोडर्मेट में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, ज्यादातर डेवलप्ड टाइप का, डेवलप्ड टाइप का, कुछ मेंबर में रिड्यूस हो भी सकता है, आंसर जो है फोर्थ करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ के लिए, जी जी जी, ऑल प्रोटोजोअन आर हिटरोट्रॉप्स, एनसीईआरटी की लाइन है भैया, देखना
दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, प्रिमिटिव रिलेटिव भी कहलाते हैं, अभी देखा था पहले. ऑल अमीबॉइड्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैरीन भी हो सकते हैं, ये गलत हो गया. दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल भी हो सकता है. तो कितने क्या पूछा है, करेक्ट? तो टू, दो चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा. क्यों जी, बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 37 जी. हिमोसील इज प्रेजेंट इन, कहां पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, और मोलस्क में भी होती है. मोलस्क में भी हिमोसील, जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिनमें होता है, जी 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 जी, तो उनकी बॉडी कैविटी में ब्लड एक्चुअल में, हाँ हाँ, तो बॉडी कैविटी फिल्ड अप विद हिमोलिम्फ, हिमोलिम्फ, तो उसको हिमोसील बोलते हैं जी. यहाँ पर बच्चों एक बात और, एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो ब्लड बोला गया. यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि आर्थ्रोपोड्स हैव ब्लड वेसल और नॉट, ब्लड वेसल तो होती हैं, लार्जर ब्लड वेसल होती हैं, लेकिन क्लोज्ड पाइपलाइन सिस्टम, वो मतलब आपस में जुड़ी भी नहीं रहती, इनिशियली मौजूद. तो इसीलिए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना आपको बहुत जरूरी है. साफ लिखा हुआ है कि लार्ज ब्लड वेसल्स जो हैं वो हार्ट में से ब्लड को जो है वो बॉडी कैविटी में पोर्ट करती हैं, क्लोज पाइपलाइन सिस्टम नहीं पाया जाता है. आर्थ्रोपोड देखना है यहाँ पर अपने को, आर्थ्रोपोड यतेंद्र जी, आपका कॉकरोच हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल. अब बाकी जैसे हाइड्रा तो इसमें तो ब्लड ही नहीं है, ब्लड ही नहीं है, इसमें ब्लड नहीं है, अर्थवर्म में ब्लड है, और क्लोज टाइप का ब्लड वेसल्स पाई जाती है, डोर्सल वेंट्रल ब्लड वेसल, लेटरल ब्लड वेसल. चले आगे. एनिमल डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, किसमें नहीं पाए जाते हैं? इसका मतलब है ऐसा एनिमल देखना है जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल, जैसे टैपवर्म की बात करें सुनील जी, तो ये तो फ्लैटवर्म है, मतलब फ्लैटी एलिमेंट जी, तो जी. जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें है, फ्लेम सेल, अपन बच्चों फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रिडिया, ये तो वैसे गड़बड़ हो गया, बिल्कुल. और फिर अपन थ्रेडवर्म की बात करें तो ये वो है आपका एस्केलेमेंटीज, बिल्कुल. तो इसमें भी एच शेप्ड रेनेट सेल होती है, हाँ हाँ, और वो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये भी यहाँ पर गड़बड़ हो गया. फिर लिवर फ्लूक की अगर हम लोग बात करें जी, तो ये फिर से वही फ्लैटवर्म हो गया, बिल्कुल, प्लेटी एलिमेंटीज का मेंबर है, हाँ. इसमें जो आपकी फ्लेम सेल्स मौजूद है, प्रोटोनेफ्रिडिया विद सेलेनोसाइट, ठीक है. बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये सिस्टम इसमें है. स्पॉन्ज की बात करें तो जैसा कि शुरू में अपन डिस्कस भी कर रहे थे, सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन. इसको इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट वैसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें नहीं है, जी जी. तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल है, और यहाँ पर एब्सेंट होता है, हाँ, एब्सेंट हो जाएगा, वैसे भी अपन बच्चों को बता सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. तो आंसर बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग भी, ये क्या, सेकंड सेकंड, बिल्कुल सेकंड आंसर चला जाएगा बच्चों, ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 जी. यतेंद्र सर, कॉमन फीचर इन अर्थवर्म एंड कॉकरोच, तो सुनील जी ये दोनों ही जो है वो नॉन कॉर्डेट है, एक एनेलिड है, और एक आर्थ्रोपोड है, ठीक है. दोनों का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, जी जी. तो मतलब अपन तो फिर अंदाज लगा सकते हैं कि दोनों नॉन कॉर्डेट है, तो नॉन कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन फीचर है, नर्व कॉर्ड, बिल्कुल आंसर ये हो जाएगा. क्योंकि क्यूटिकल की अगर बात कर रहा है तो क्यूटिकल इधर तो मिलेगा, कॉकरोच इधर नहीं है, क्यूटिकल इधर क्या पाया जाता है, काइटिन, वो सॉरी क्यूटिकल इधर है, इधर काइटिनियस जो स्केलेटन हो जाएगा. नेफ्रिडिया इधर तो है, इधर मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स हो जाएगा, और मेलपिगिन ट्यूब्यूल इधर तो है, इधर नेफ्रिडिया हो जाएगा. तो सेकंड जी जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. एन एंटेरोसिलोमेट इनवर्टिब्रेट, एंटेरोसिलोमेट आपने देखा, साइजोसिलोमेट एंटेरोसिलोमेट इकाइनोडर्मेटा टू कोडेटा, एन इनवर्टिब्रेट एनिमल ग्रुप इज, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, इकाइनोडर्मेट्स हो जाएगा, क्योंकि एनेलिडा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का साइजो, ये साइजोसिलोमेट हो जाएंगे. तो आंसर कौन सा चला गया, फोर्थ जी. यतेंद्र सर टिक लगाएं, चले आगे बच्चों जी. क्वेश्चन नंबर 41 जी सर. गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेज, तो जो डिवोनियन है, डिवोनियन पीरियड, ये फिश का गोल्डन पीरियड आपको याद करना, वैसे तो इवोल्यूशन में पढ़ाया जाएगा ये, इवोल्यूशन में ये आपको पढ़ा दिया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल. परमियन के लिए अगर थोड़ा सा बताएं तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक है, कुछ आपके माइंड में, जुरैसिक जो है वो डायनासोर का हो जाएगा, डोमिनेट थे इस दौरान, वो इवोल्व हुए थे. तो ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस, ये अपने को सब देखने को मिलेगा आगे. ट्राइएसिक में ओरिजन हुआ था किसका, मेमल्स, और ट्रायसिक के अंदर जो इन आपके रेप्टाइल में जो डायनासोर वगैरह थे, बिल्कुल वो स्टार्ट हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और मेमल्स का ओरिजन भी, फिर क्रिटेशियस में जाते हैं. और परमियन के लिए आपको याद रख लेना है भैया कि मेमल,
लाइक रेप्टाइल्स ओरिजिनेट हो गए थे, और एक्टिव जो रेडिएशन हुआ था रेप्टाइल का वो भी इस दौरान पर इस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। ए टेम्पररी क्लाइटेलम अकर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, टेम्पररी क्लाइटेलम की बात कर रहे हैं, और ऐसा किसमें देखा जाता है? हिरुडिनेरिया, ठीक है। तो हिरुडिनेरिया में देखा जाएगा सेगमेंट नंबर 9, 10 और 11 जो होता है उस पर केवल ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही एक टेम्पररी क्लाइटेलम जो है वो अपने को ऑब्टेंड होता है। अर्थवर्म में परमानेंट है, अर्थवर्म में परमानेंट हो जाएगा, नेरिस में होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हेटरोनेरिस की अगर बात करें तो ये बच्चों इसकी रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है, नेरिस की रिप्रोडक्टिव फेज हेटरोनेरिस। हाँ, एटोक और एपिटोक दो रीजन बनते हैं। एफ्रोडाइट सी माउस, सी माउस जी एनेलिड है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपका जो है पॉलीकिटा है, हाँ, और इसके अंदर जो है क्लाइटेलम अब्सेंट, क्लाइटेलम अब्सेंट होती है। चले आगे जी। फिल इन द ब्लैंक्स इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, और एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का कनेक्टिव लिंक सेमोरिया बन जाएगा बच्चों। सिंपल सा याद रखना है। नियोपिलिना की अगर बात करें तो ये एनेलिडा और मोलस्का के बीच, एनेलिडा मोलस्का। सिलोकेंथ की अगर बात करें तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आपको, ये एक ट्रांजिशनल स्पीशीज है फिशेज और टेट्रापोड के बीच की। जी 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 जी। प्लेटिपस की अगर बात करें तो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का हो जाएगा जी। यहाँ पर और ये फिश और एम्फीबियन, हाँ ये फिश और एम्फीबियन, या मैं कहूँ फिशेज और टेट्रापोड के बीच में एक इंटरमीडिएट स्पीशीज ये बनती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये तो है प्लेटिपस, एक है पेरिपेटस, पेरिपेटस एनेलिड एंड आर्थ्रोपोड के बीच पेरिपेटस हो जाएगा, और रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में एमेराइट। जी बिल्कुल सर। तो बढ़े आगे, शानदार। 44 जी सर। Which one structure is found in mollusk but not in echinodermata, ना कि मोलस्क में है लेकिन echinodermata में नहीं है, नहीं है। क्लियर। तो जैसे टू फिट सेल जो है और मैट्रीपोराइट है, ये इकाइनोडर्मेट वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। एग्जैक्टली उसका पार्ट ये कहलाता है। मोलस्क का देखना है, अपने को मोलस्क का देखना है, और मोलस्क के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है लेकिन इकाइनोडर्मेट में नहीं है। तो यही तो पूछा है, अरे भैया यही तो पूछ रहे हैं ना कि किसमें पाया जाता है, मोलस्क में तो है, इकाइनोडर्मेट में नहीं है। एंटेरोसील आपका इकाइनोडर्मेट, इकाइनोडर्मेट हो जाएगा, ठीक है। ये मोलस्क तो साइज़ है। तो क्या थर्ड आंसर दे दे? थर्ड चढ़े चले आगे जी। क्वेश्चन नंबर 45। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इकाइनोडर्मेट, सही नहीं है। लोकोमोशन बाई पेडिसिलरी By expansion and contraction, पेडिसिलरी तो बॉडी को क्लीन करते, क्लीन करने के काम आती है। ऐसे प्लेटें होती हैं तीन जो इस तरीके से मूव करती हैं, तो सरफेस को क्लीन, इसको अपन पिंसर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। जी बिल्कुल। जिसको अपन, मैं मेरी भाषा में कहूँ तो संडासी जैसा, क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गलत हो गया अपना। प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल माउथ, ये ठीक है। बिल्कुल, अपने को नोट ट्रू पूछा है। मैट्रीपोराइट परमिट्स एंट्री ऑफ वाटर, एंट्री ऑफ वाटर बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैल्केरियस प्लेट, कैल्केरियस प्लेट होती है वो अपने शुरू में बच्चों को बताया था। बिल्कुल बच्चों, अपने जैसे ही मेसोडर्मल ऑसिकल्स होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर इसका फर्स्ट चला जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मार्क द मोनोजेनेटिक पेयर ऑफ राउंड वर्म, मोनोजेनेटिक पेयर का मतलब लाइफ साइकिल में एक ही होस्ट हो, ठीक है। तो यहां अगर बात करें तो अपना हो जाएगा एस्केरिस और एनकाइलोस्टोमा, एस्केरिस एंड एनकाइलोस्टोमा, ठीक है। हाँ, एक ही होस्ट है, एक सिंगल होस्ट जो है वही प्रेजेंट होता है इनकी लाइफ साइकिल में, ठीक है। यहाँ पर वुचर एरिया जो है, हाँ, इसकी वजह से हो गया। यहाँ पर अगर बात करें तो ड्रैकनकुलस जो है ये भी दर्शाता है, दो होस्ट की प्रेजेंस को दर्शाता है। ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलोसिस एक डिजीज जो है वो कोच करता है। जी जी। तो आंसर चला जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मेसेनकाइम इज ए नॉन सेलुलर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिविंग ये गलत हो गया, नॉन लिविंग, ठीक है, इनकरेक्ट ही पूछा है, तो आंसर ये चला जाएगा। बाकी क्रॉस चेक कर लेते हैं। मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन हाइड्रा, ठीक बात है, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक और एंडोडर्म के बीच में ये दोनों पाई जाती है। माउथ एंड एनस आर सेम इन हाइड्रा, क्योंकि ब्लाइंड सेक प्लान अपने पहले ही कहा था। और सिलेंट्रेट इज प्रेजेंट, सिलेंट्रॉन इज प्रेजेंट इन टेंटिकल्स, होलो टेंटिकल्स, होलो टेंटिकल्स, बिल्कुल। ओबेलिया के टेंटिकल्स सॉलिड होते हैं, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, थैंक यू। ओबेलिया में कैसे होते हैं? सॉलिड टेंटिकल्स, सॉलिड टेंटिकल्स, इसमें सिलेंट्रॉन नहीं। तो मूव करें आगे जी। क्वेश्चन नंबर 48।
जी, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट इज प्रेजेंट इन, किसमें पाया जाता है ब्लाइंड सैक प्लांट? ये तो ट्यूब विद इन ट्यूब हो गया, ये ट्यूब विद इन ट्यूब, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जैसे टीनिया में तो है ही नहीं, है ही नहीं, अब्सेंट है, एलिमेंट्री कैनाल है, बिल्कुल ठीक बात है। इसको ब्लाइंड सैक कह सकते हैं, इसको ब्लाइंड सैक कह सकते हैं, लेकिन वो गड़बड़ हो गया बिल्कुल। और यहाँ पर फेशियोला, हिपेटिक और हाइड्रा, ये सही आ रहा है। तो आंसर जो कौन सा चला जाएगा? और ये एनेलिड है, ये एनेलिड है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर विच एनिमल? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स। तो इसके लिए आंसर कौन सा चला जाएगा अपना? हाइड्रा और टीनोप्लाना। तो टीनोफोर्स की अगर बात करें तो टीनोफोरा में होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन हाइड्रा में नहीं होता है। हाँ, हाइड्रा में डायरेक्ट डेवलपमेंट, हाइड्रा में डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। फेसियोला और गोरगोनिया, यहाँ पर अपने को एक्सक्लूसिवली मैराइन इन्होंने कहा है, ठीक है, और ये पैरासाइट, हाँ ये पैरासिटिक फॉर्म हो जाएगी। लिमुलस एंड फेरेटिमा, ये केंचुआ जो है इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है, कोई लार्वल स्टेज यहाँ पर नहीं होती है। प्लूरोब्रेंकिया और टीनोप्लाना, टीनोफोर है, हाँ टीनोफोर्स, ठीक है। तो इसमें जो है ये अपना करेक्ट ऑप्शन पूछा है, करेक्ट कौन सा चला जाएगा जितेंद्र जी? फोर, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट। अगर कोई इकाइनोडर्मेट भी होता ग्रुप तो भी सही होता, इकाइनोडर्मेट होता तो भी अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वहां पर देखा जाता है, एक्सक्लूसिवली मैराइन भी देखा जाता है वो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आप याद रख लेना, टीनोफोर की बात कर रहे हैं ना, तो टीनोफोर में क्या सिडिपिड लार्वा, जी सिडिपिड लार्वा, सिडिपिड लार्वा, जी बढ़े आगे। जी क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट द ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। मतलब कि ये पूछ रहे थे इकाइनोडर्मेट्स, हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल, क्योंकि रेडियल उससे पहले सिलेंट्रेटा था वो, लेकिन थे, वो डिप्लो थे, तो इकाइनोडर्मेट आंसर चले, तो इकाइनोडर्मेट ये है जी। ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार, ये तो एडल्ट हो गया, ये सिलेंट्रेट, ये सिलेंट्रेट, ये टीनोफोर हो गया, ये टीनोफोर हो गया, ये और भी हो जाए, तो अपना आंसर चला जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी टू। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, जी सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओफ्यूरा, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार है, ब्रिटल स्टार है, यहाँ पर स्टार फिश दिया हुआ है, ठीक है, एस्टीरियस होना चाहिए था इसके लिए, और इकाइनोडर्मेटा तो नो डाउट, ठीक है। और अगला है गोरगोनिया, सी फैन, निडेरिया, बिल्कुल ठीक है, सही है, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने को करेक्ट ही तो पूछा है, तो ये जाना चाहिए। स्पंजियला, बाथ स्पंज, नो स्पंजियला, फ्रेश वाटर स्पंज, ये एफ वॉट एफ डब्ल्यू स्पंज है, ठीक है, और ये यू स्पंजिया, इसके लिए हो जाएगा यू स्पंजिया। नेक्स्ट है टीनिया, टेफवर्म, एस्केलमेंट्स, ये गड़बड़, प्लेटी होना चाहिए था बच्चों इसकी जगह, ठीक है। तो अपना आंसर करेक्ट कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट मूव करें 52, जी सर। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ एनिमल इन विच ऑल द इंडिविजुअल बिलोंग सेम फाइलम, कि सारे सेम फाइलम से, एक ही फाइला से, तो साइकोन, स्पोंजिला, ओबेलिया, ओबेलिया थोड़ा अलग हो गया, सेलेक्टेड हो गया, गोला लगा दे इसको, हाँ फाइसेलिया, ओबेलिया, नेरिस, नेरिस, एनेलिड हो गया, एनेलिड हो गया, सेलेंट्रेट है, बाकी सेलेंट्रेट है, एनोफिलीज, एपिस, लोकस्टा, लोलिगो, मोलस्को, मोलस्का आ गया, लोलिगो, एप्लाइजिया, सी एयर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल, केटोप्लूरा, डेंटेलियम, पिंकटेडा, ये सब मोलस्क हो गए, ये मोलस्क हो गए, इनके कॉमन नेम जरूर याद रखनी है बच्चों आपको। और मैं एक चीज और बता दूं, क्लासिफिकेशन में आपको जो है वो आप मान के चलें, एग्जांपल जो एनसीईआरटी के हैं वही पूछे जाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल, हाँ ज्यादा एग्जाम्पल याद नहीं करनी है। इनवर्टिब्रेट्स जो है उनकी क्लास लेवल पे जाकर आप नहीं याद करें तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्लास लेवल पे आपको कोऑर्डिनेट मिला, बिल्कुल। तो इस एप्लेसिया को क्या कहा जाता है, सी हेयर, सी हेयर, समुद्री खरगोश, इसको कीटोन, ये टस्क सेल, एलिफेंट टस्क, एलिफेंट टस्क, और ये पिंकटाडा, पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर, मोती जो बनाए जाते हैं वो यही बनाते हैं। ओके बच्चों तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 53, जी सर। सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम फॉलोइंग, ऑड वन को सेलेक्ट करना है, तो जैसे एस्केरिस है, एनकाइलोस्टोमा है, ओकेरिया है, तो ये जो तीनों हैं तो ये तो हो गए आपके एस्केलमेंटीज,
राउंड वॉर्म और एंटीडोन सी लिली, ये हो गया इकैनोडर्मिट्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है बिल्कुल। तो अपन ने ओडवन सेलेक्ट कर लिया, एंटीडोन सेलेक्ट हो गया। हाँ, अब देखें आप। जी सर बताएं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आर ट्रू फॉर दीज, किस जगह दिस कर सकते हो दिस एनिमल। क्या हो सकता है कि वो एक से ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए? जी जी जी, इसके लिए आपको ट्रू देखना है बिल्कुल। तो सुडोसिल नहीं है, बाकी तीनों के लिए तो ठीक है सुडोसिल, बाकी तीनों के लिए। लेकिन यहाँ ओड वन जो आया उसके लिए देखना है। एग्जैक्टली, तो ट्रिपल ब्लास्टिक जी सही हो जाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है बिल्कुल हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल होते हैं और जबकि एश के एलिमेंट्स में बात करूं तो बच्चों इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जी जी, तो अपना 1, 2, 3, 4, 4 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 54, इन क्लास इंसेक्टा द एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर, इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा की बात कर रहा है, कौन हो जाएगा? मेलपिगन, टिब्यूल, एनेलिडा में नेफ्रिडिया, प्लेटी हेलमिंथ्स में फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट। बच्चे जल्दबाजी में ये भी कर सकते हैं, मेलपिगन बॉडी, ये तो जो है वो फिल्ट्रेशन यूनिट कहलाती है मेमल्स की, जो किडनी है उसको। जी जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 55। जी सर, सेलेक्ट दोज कैरेक्टर व्हिच आर फाउंड इन हेमिकोडेट, केवल हेमिकोडेट के अंदर अगर हम लोग देखें तो उसमें कौन-कौन से कैरेक्टर हैं। अर्लियर दे वर इंक्लूडेड इन फाइलम इकाइनोनाई, अर्लियर वो ऑर्डेट में थे, सब फाइला के रूप में, सब फाइला के रूप में। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों ये कि हेमिकोडेट्स जो हैं वो पुराने समय जो पुराना क्लासिफिकेशन है उसमें सब फाइला के रूप में कोडेटा में इंक्लूड किए गए थे, तो पहला गलत हो गया। जी, और गिल से रेस्पिरेशन होता है, बिल्कुल ठीक बात है, गिल स्लिट्स होती है, कोडेट का फीचर। हाँ, कोडेट फीचर है, कनेक्टिंग लिंक अपन इसको ये प्रोबोशिस रीजन में बोलेंगे या कॉलर में, या कॉलर के नीचे, कॉलर वाले पार्ट के नीचे, कॉलर पार्ट के नीचे कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, टोर्नेरियल आर्वा, टोर्नेरिया, वेरी गुड, टोर्नेरियल ना, अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज है, टोर्नेरिया लार्वा का नाम है। दे आर मैरीन वॉर्म लाइक एनिमल हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल बिल्कुल। तो इसमें पूछ रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट, ए तो गलत हो गया और बी सी और डी सही हो गया, बी सी डी, ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 चला। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 56, बॉडी ऑफ प्लेटी हेलमिंथ्स कैसी होती है? तो ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल कहलाते हैं बिल्कुल। यतिंद्र जी ने डायग्राम भी बना दिया है आपके सामने, डोर्सल साइड से भी फ्लैट है और वेंट्रल साइड से भी फ्लैट है, तो ऑप्शन नंबर 3 कर दूं क्या? जी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, विच इज नॉट करेक्टर ऑफ बेलेनोग्लोसस, मतलब फिर हेमिकोडेट के लिए, हेमिकोडेट आ गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेन सिस्टम लेवल बिल्कुल होती है। क्या ये प्लेटी एलिमेंट से चालू हो गया था ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गन सिस्टम, प्लेटी से, बॉडी इज सिलेंड्रिकल जी बिल्कुल ठीक बात है, सर्कुलेशन इज क्लोज्ड, ओपन होता है, ओपन टाइप, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भैया, और एक्सक्रीशन बाय प्रोबोशिस ग्लैंड, ये ठीक है। तो अपने से पूछा क्या है, इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। क्या बढ़े आगे? जी बिल्कुल जी, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर कोलंबा, पिजन, पिजन एविच, कॉर्डेट के अंदर, जी जी जी, पक्षियों के लिए पूछा है, हाइंड लिम जनरली हैव स्केल्स होते हैं एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग एंड क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेज, ट्री ब्रांचेज को पकड़ने में, होल्ड करने में जो हैं वो ये काम आते हैं बिल्कुल ठीक बात, स्केल्स बॉडी के ऊपर और कहीं इसमें नहीं, हाँ, फीदर्स पाए जाते हैं, फीदर्ड बॉडी प्रेजेंट, स्केल्स केवल हाइंड लिम पर, हाइंड लिम पर ही प्रेजेंट होंगे। थैंक यू, इनकी जो बीक है, बीक पार्ट पर भी, स्केली पार्ट कहेंगे बीक को भी, क्या वैसे ज्यादातर हाइंडलिम के लिए, हाइंडलिम के लिए ठीक है, परफेक्ट है। दे आर पोइक्लोथर्मिक, नहीं होमियोथर्मिक एनिमल, एंडोथर्मिक कोडेट, हाँ होमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक कोडेट, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैव एडिशनल चैम्बर क्रॉप एंड गिजार्ड, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये अपने फूड को जब एंगल्फ करते हैं तो आपने देखा होगा पक्षी जो होते हैं ये दानों को लगातार टुक 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 चुकते रहते हैं, वो अंदर क्रॉप में जाता है, स्टोरेज पार्ट है उनके पास में, गिजार्ड जो उसका मैकेनिकल डाइजेशन करता है, ठीक है, क्रश करने का काम कर देता है अल्टीमेटली कहें तो ये क्या हो गया, इसलिए इनको दांत की जरूरत नहीं है, दांत बिल्कुल, ऐसा पूछ सकते हैं कि ना ऐसा कौन सा इसमें स्ट्रक्चर है जो टीथ को कंपनसेट करता है, कंपनसेट, थैंक यू, बहुत ही शानदार आंसर हो जाएगा, गिजार्ड। बॉडी इज कवर्ड विद एपिडर्मल स्केल्स और स्कूट्स, नहीं ये रेप्टाइल, रेप्टाइलिन
फीचर है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने से पूछा क्या है यतेंद्र जी, करेक्ट पूछा है ना? पूछा, हाँ। तो पहला अपना करेक्ट है जी, और सी अपना करेक्ट है जी, तो अपना ए और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर, यतेंद्र सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं सर इनसे, बच्चों से। ओके, मोलस्क आर यूजुअली ओविपेरस एंड सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट सही है। बिल्कुल ठीक बात है, ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। बिल्कुल। लोकस्ट इज ग्रीगेरियस पेस्ट, झुंड में रहने वाले हैं, ग्रुप में उड़ते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। और लिमुलस लिविंग फॉसिल है, सही है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट, तो तीनों ही सही है इसमें, तीनों ही सही है, तो आंसर फोर चला जाएगा। कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो कि गलत हो, गलत हो। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब 60 क्वेश्चन डिस्कस करते करते इतना खो गए कि पता ही नहीं लगा कि 60 कब हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, टीनोफोरस शोज having both extracellular and intracellular digestion, बिल्कुल टीनोफोर में देखा जाए, उससे आपके सिलेंट्रेट की तरह ही, सिलेंट्रेट की जैसा ही है। टीनोफोरा डेवलपमेंट अकर थ्रू लार्वल स्टेजेस, अभी लिखा था सिडिपिड लार्वा आपने। प्लेटीहेल्मिंथ्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, बिल्कुल एंडोपैरासाइट ही कहलाते हैं। नोटोकॉर्ड इज एक्टोमेसोडर्मल, नो ओनली मेसोडर्मल, ये एक्टो वर्ड क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको काट दो, बाकी ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो है इनकरेक्ट हो गया। इसके रेस्पेक्ट में आपने जो पूछा क्या यतेंद्र जी, इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर फोर चला जाएगा। शानदार। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा जो है गुरु नीति का पहला वीडियो जो है ये आपके सामने आज रात को 9 बजे आ जाएगा, और नो डाउट आप इस सिस्टम से जुड़े रहें, और इसका बेनिफिट आपको जो है 2021 की नीट में जरूर अपना परचम लहराते हुए। बिल्कुल सही कहा सर ने। बिल्कुल, तो इजाजत चाहें। ओके, थैंक यू, जय सी एल सी।